गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम आज जो है लिस्ट के बारे में देखेंगे एचटीएमएल में। ये हमारा पार्ट वन है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पूरा रिवीजन जैसा भी मिल सकता है दे पाऊँ। तो वन बाय वन हम लोग एक एक टॉपिक पे रिवीजन में देखेंगे कि किस टैग से क्या होता है और वो सारे टैग जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। तो मेरा ये पहला पार्ट है और डे बाई डे हम पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री से इस तरह से रिवीजन की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग लिस्ट एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो एचटीएमएल में लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो लिस्ट कितने प्रकार की होती है? सिर्फ थ्री टाइप्स की लिस्ट होती है। थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट कौन कौन सी? पहला अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके लिए हम यूएल टैग यूज़ करते हैं। दूसरा ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके लिए हम ओएल टैग यूज़ करते हैं। और तीसरा डेफिनेशन लिस्ट, जिसके लिए हम डीएल टैग यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर यूएल टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता। सपोज दैट अगर मुझे दिखाना हो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह से होती हैं, तो ये हम आप एमएस वर्ड पे देख लीजिए किस तरह से होता है। मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनानी चाहिए, तो हमने यहाँ से बुलेट्स ले लिए लाइक दिस। तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, तो ये एक लिस्ट है जो कि अनऑर्डर्ड है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। ये एक डिस्क टाइप है, जो सिंबल है ये डिस्क है। अगर इसी को हम एचटीएमएल में, क्योंकि आप जानते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में थ्री टाइप्स के वैल्यू यूज़ हो सकती हैं, डिस्क, स्क्वायर एंड सर्किल। तो अगर मुझे यहाँ पर स्क्वायर करना है तो हम यहाँ पर ये ले लेंगे स्क्वायर, इस टाइप से हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पर सर्किल करना है तो हम सर्किल यहाँ से ले सकते हैं, तो सर्किल यहाँ से ले सकते हैं। जो कि इस तरह से होगा। तो लिस्ट एलिमेंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एग्जांपल से कि लिस्ट इस टाइप से हम बनाते हैं, जो कि अनऑर्डर्ड है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। तो थ्री टाइप्स के बुलेट्स यानी हम जो वैल्यू है वो यूज़ करते हैं डिस्क, स्क्वायर एंड सर्किल एचटीएमएल में। तो इसको करके देखते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से सब हटा दे रहे हैं। सबसे पहले हमने एचटीएमएल हेड टाइटल कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट हम यूएल स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर कभी ऐसा आए तो आप सिंपली यूएल से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में आए तो डेफिनेशन आपको लिखवाई गई है, वहाँ से याद कर लीजिएगा। आप सिंपली कह सकते हैं अ लिस्ट इन विच नो ऑर्डर इज देयर, दैट इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट। एंड इन एचटीएमएल वी यूज यूएल टैग फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हमने यूएल टैग लिखा। इसके बाद हम लिस्ट आइटम के लिए एलआई यूज़ करते हैं। एलआई मीन्स होता है लिस्ट आइटम। तो जितनी बार हमें एलिमेंट लेने हैं, सपोज दैट हमने कीबोर्ड लिखा, फिर हमने एलआई को क्लोज किया, फिर हमने यहाँ पर एलआई दोबारा यूज़ किया, फिर हम माउस यूज़ किए, नेक्स्ट हम यहाँ पे एलआई को क्लोज़ किए, फिर हमने एलआई यूज़ किया, हमने यहाँ पर स्कैनर ले लिया, फिर से हम एलआई को क्लोज़ किए। मींस जितने एलिमेंट आपको लिस्ट में रखने हैं उतनी बार आपको एलआई यूज़ करना है। तो थ्री एलिमेंट रखने, तीन ही बार एलआई यूज़ करिए। अगर आपको फोर, फाइव, सिक्स कई करना है तो आप कई ले सकते हैं और यहाँ पर यूएल टैग क्लोज कर दीजिए। ये इतना करने से हमारी अनऑर्डर लिस्ट बन जाएगी। हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम यहाँ पर कोई नाम दिए, डॉट एस टी एम एल लगाया हमने, आर आर डॉट एस टी एम एल से फाइल सेव हो रही है। फाइल का एक्सटेंशन नेम यहाँ पर दो हो सकता है, एस टी एम एल भी हो सकता है और एस टी एम भी हो सकता है। टू एस टी एम एल एक्सटेंशन नेम कैन बी यूज इन इट। नाउ सेव इट। लोकेशन देख लिए, डेस्कटॉप पर सेव हो रही है, आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर कहीं भी फाइल हमारी गई होगी आर आर नेम से, यहाँ पे आर आर फाइल, ये है फाइल आपकी, यहाँ से ओपन कर लीजिए इसको। ये फाइल हमारी ओपन हो रही है,
और ये आपकी लिस्ट एलिमेंट इसमें शो हो जाएंगे भी। तो ये देखिए हमारे लिस्ट एलिमेंट इस पे आ रहे हैं जो कि प्रीव्यू है, और ये हमारा कोड था जो कि हम छोटे फॉर्म में आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा कोड था। तो ये हमारी डिस्क टाइप की वैल्यू है। अगर मुझे इसमें इसका टाइप बदलना है, लिस्ट का टाइप बदलना है, तो मुझे टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, उसके आगे वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी। सपोज दैट मुझे सर्किल चाहिए, तो हमने सर्किल दे दिया यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर। आप फॉर्मेट में जाके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। यहाँ से मैं चेंज करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सर्किल यूज़ कर लिया और अब सेव किया इसको, और यहाँ आके हमने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे सर्किल हो चुका है। तो इट मींस अगर मुझे डिस्क चाहिए तो मुझे टाइप एट्रीब्यूट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम सिर्फ यूएल लिख के ही एलआई यूज़ करते जाएंगे और हमारी जो लिस्ट है वो बन जाएगी। अगर मुझे सर्किल या स्क्वायर चाहिए तो ही मुझे टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करना है, अदरवाइज टाइप एट्रीब्यूट का कोई यूज़ नहीं होगा। हम यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर यहाँ पे कर दिया। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ करते हैं एचटीएमएल में, और इसके लिए इस तरीके से हम कोड करते हैं। तो सबसे पहले यूएल इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे स्क्वायर या क्यू स्क्वायर या सर्किल देना है तो टाइप एट्रीब्यूट लगाना, अदरवाइज नहीं लगाना है। तो डिस्क, स्क्वायर, सर्किल, ओनली थ्री टाइप वैल्यू कैन बी देयर इन एचटीएमएल इन अनऑर्डर्ड लिस्ट। एंड फॉर क्रिएटिंग अ लिस्ट विद स्क्वायर आर सर्किल वी मस्ट यूज द टाइप एट्रीब्यूट, अदरवाइज नो नीड टू यूज द टाइप एट्रीब्यूट। यू कैन यूज बाई डिफॉल्ट यूएल फॉर डिस्क एलिमेंट। तो अब आपके सामने यहाँ पर है, शायद आपको ये पर्टिकुलर डिटेल्स क्लियर हो गई होंगी कि कैसे हम यूएल को यूज करेंगे। सपोज दैट हमको अनऑर्डर्ड लिस्ट भी करना है, तो अनऑर्डर्ड के लिए हमने ओएल ले लिया, ओएल ले लिया, हमने एलआई किया। सपोज दैट एलआई में हमने लिख दिया 1 और एलआई को क्लोज कर दिया। फिर से हमने एलआई यूज़ किया, हमने यहाँ TWO लिख दिया, 2 लिख दिया, और यहाँ पर एलआई क्लोज कर दिया। फिर से हमने एलआई लिखा, फिर से हमने 3 लिख दिया। ये वैल्यू है, ऐसा हमने मान लिया, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और ओएल को क्लोज कर दिया। अब इसमें क्या होगा देखिए, इसमें एक नंबर आ रहा, देखिए 1 2 3 आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑर्डर्ड लिस्ट में हम नंबर यूज़ करते हैं, हमको टाइप एट्रीब्यूट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। 1 2 3 ऑटोमेटिक आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो है, हमने आपको बताया था थ्योरी में कि इसमें 1 वैल्यू हो सकती है, सॉरी ये जो लेबल है 1 हो सकता है, कैपिटल ए हो सकता है, स्मॉल ए हो सकता है, रोमन में 1 हो सकता है, कैपिटल में रोमन हो सकता है। 5 टाइप्स ऑफ वैल्यू कैन बी देयर फॉर द अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर डेफिनेशन आती है कि अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट की डेफिनेशन आती है, तो आप कह सकते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट इज अ लिस्ट इन विच एन ऑर्डर इज देयर लाइक 1 2 3 ABC लाइक दिस, एंड इन HTML फॉर क्रिएटिंग अ ऑर्डर्ड लिस्ट वी यूज ओएल टैग। और अगर मुझे 1 2 3 चाहिए तो मुझे टाइप एट्रीब्यूट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मुझे 1 2 3 के अलावा ABC स्मॉल में या कैपिटल चाहिए, रोमन में कैपिटल या स्मॉल चाहिए, तो हमें टाइप एट्रीब्यूट लगाना मस्ट हो जाता है। सपोज दैट हमको ए चाहिए, तो हम यहाँ पर ओएल में टाइप एट्रीब्यूट इस ब्रैकेट के अंदर यूज़ करेंगे, टाइप इक्वस टू डबल कोट्स में ए लिख देंगे, क्योंकि ये करेक्टर वैल्यू है, इसलिए हमें इसे डबल कोट्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ABC हो गया, देखिए यहाँ पर ये ABC आ रहा है। अगर मुझे स्मॉल में चाहिए था तो मैं ए स्मॉल में लिखता, यहाँ पर ABC स्मॉल में हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर हमें रोमन में चाहिए स्मॉल में, तो रोमन में हमने यहाँ पर आई लिख दिया, और यहाँ देखेंगे रोमन में हो जाएगा। अगर हमें कैपिटल में रोमन चाहिए तो हमने कैपिटल में आई लिख दिया और सेव किया, यहाँ देखिए कैपिटल में हो गया। तो इस टाइप से आप टाइप के अंदर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ओनली 5 वैल्यू कैन बी यूज इन टाइप ओएल में।
तो यूएल के बारे में बता दिया और ओएल के बारे में बता दिया। यूएल में एंड ओएल में टाइप एट्रीब्यूट कॉमन है, लेकिन ओएल में यानी ऑर्डर्ड लिस्ट में एक होता है स्टार्ट, स्टार्ट एट्रीब्यूट भी होता है। आपको अगर अपनी नंबर्स अदर स्टार्ट करना है, मुझे टू से स्टार्ट करना है, पहला ही नंबर टू से स्टार्ट हो, यानी वन जहाँ लिखा है यहाँ टू लिखा हो, तो आप यहाँ स्टार्ट इक्वल टू टू कर देंगे तो हमारी स्टार्टिंग सेकेंड नंबर से हो जाएगी। आप देखिएगा स्टार्ट इक्वल टू टू किया तो पहले ही वन जो वन वैल्यू है इसके आगे टू लिख के आ रहा है, टू थ्री फोर स्टार्टिंग सेकेंड से हो गई। हम यहाँ पे फाइव कर दें तो स्टार्टिंग फाइव से हो जाएगी। देखिए तो स्टार्ट में आपको जो वैल्यू देनी होती है वो न्यूमेरिक ही होती है, वो वैल्यू और कुछ नहीं हो सकती, वो न्यूमेरिक ही होगी। यानी ओएल में टाइप एट्रीब्यूट और स्टार्ट एट्रीब्यूट दोनों यूज़ करते हैं, और यूएल में सिर्फ टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। टाइप एट्रीब्यूट में स्क्वायर डिस्क सर्किल वैल्यू हो सकती है, जबकि डिस्क बाय डिफॉल्ट होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट में, जबकि ओएल में यानी ऑर्डर्ड लिस्ट में बाय डिफॉल्ट वन टू आता है। आप स्मॉल ए बी सी यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल ए बी सी यूज़ कर सकते हैं, यानी ए यूज़ कर सकते हैं रोमन में, कैपिटल में और स्मॉल दोनों में यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इतनी ही वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ही आ सकता है कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, उसके बीच डिफरेंस क्या है। तो आप ये जो हमने बताया है आप इसमें डिफरेंस बता सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि इन अनऑर्डर्ड लिस्ट एन और नो ऑर्डर इज देयर, वाइल ऑर्डर्ड लिस्ट एन ऑर्डर इज प्रेजेंट। इन अनऑर्डर्ड लिस्ट ओनली टाइप एट्रीब्यूट इज कैन बी यूज, इन ऑर्डर्ड लिस्ट टाइप एंड स्टार्ट टू एट्रीब्यूट कैन बी यूज। इस तरह से अपने डिटेल्स बता सकते हैं। अगर फुल फॉर्म पूछे यूएल का तो अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओएल का तो ऑर्डर्ड लिस्ट, एलआई का तो लिस्ट आइटम। इससे बाहर आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट से कुछ नहीं आएगा। आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। हमारा पूरा प्रयास है कि मैं आपको वन बाय वन टॉपिक टू टॉपिक वैल्यू दे दूं, और हम इसमें प्रयास भी करेंगे। तो हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में यानी सेकंड पार्ट में दोबारा किसी एक और टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। आप इतना तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सभी का। हैव अ नाइस डे। गुड नाइट।